और करण बोला सुनवा कि मानू मैं कैसे कि तू मेरी माँ है, कि मानू मैं कैसे कि तू मेरी माँ है। बेटे का दिया मुझको, बेटे का दिया मुझको दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे दर्जा नहीं है। तू मेरी माँ है, बहुत सुंदर भैया राहुल। कैसे मैं मानूं कि तू मेरी माँ है, बेटे का दिया मुझको, बेटे का दिया मुझको दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे दर्जा नहीं है, कसूर की दी है मुझे सजा। बोले करण, भगवान की इस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी भी क्या, भगवान की इस कसूर की दी है मुझे सजा। करण बोले मैया ममता का नाता मैया कैसा निभाया, पैदा करके मुझको तूने जल में बहाया, ममता का नाता तूने कैसा निभाया, जन्म दे के मुझको तूने जल्मी वहां, कुपाता कहूं तो कोई, कुपाता कहूं तो कोई हर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। तू मेरी माँ है, मानू मैं कैसे कि तू मेरी माँ है, बेटे का दिया मुझको, बेटे का दिया मुझको दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्ण कहने लगे माँ कोई बात नहीं, फिर भी कुछ मांगो, 9 महीना तुमने पेट में मोह रखो, बड़ो उपकार करो है। कुंती कहने लगी लाला कुछ देना चाहते हैं, परशुराम वाले 5 बाण हमें दे दो। कुंती की बात सुनी कर्ण गस के जमीन पर गिर गया।
बेहोश हो गया। पुनः खड़ा हुआ, होश में आने पर जब पुनः खड़ा हुआ तो पांच बाण निकाल कर कुंती के हाथ में थमा दिए और एक बात कही, माँ सुन, अगर अर्जुन मर जाता तब भी तेरे पांच रह जाते, अब मैं मर जाऊंगा तब भी तेरे पांच ही रह जाएंगे, लेकिन माँ ये बाण नहीं, ये मेरे प्राण लेने आई है, तू ले जा। लेकिन माँ उस अर्जुन से जाकर एक बात जरूर कह देना, जीते जी उसने अपनी माँ को भिकमंगी बना दिया है, ये बात जरूर कह देना। भैया इस तरह से कुंती कड़ से बाण लेकर जाती है और अब तो आरती करा रहे हैं और कड़ बध की कथा इससे आगे हम यहीं से उठाएंगे, आप परेशान नहीं होना, महाभारत मैं जरूर कहूंगी और हरी चढ़ों में